खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। यूएन के मानव अधिकार परिषद का 42वां सत्र जिनेवा में आज से शुरू होने वाला है। ये सत्र 27 सितंबर तक चलेगा। उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाने की कोशिश करेगा, जहां भारत की ओर से उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारत की ओर से वरिष्ठ राजनयिक अजय बिसारिया की अगुवाई में टीम को जिनेवा भेजा गया है, जबकि पाकिस्तान की ओर से पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जिनेवा में मौजूद हैं। कश्मीर मुद्दे पर 16 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान ने कहा था कि भारत कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। अब जब UNHRC की बैठक होने वाली है तो उम्मीद है कि पाकिस्तान इस बैठक का इस्तेमाल भारत विरोधी झूठे प्रचार के लिए करेगा। वहीं भारत की कोशिश होगी कि POK विशेष रूप से गिलगित बल्टिस्तान में पाकिस्तान के मानवाधिकारों के उल्लंघन को उजागर किया जाए। भारत सीमा पार से होने वाले आतंक के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। साथ ही पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में जिस तरह सिख लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, भारत उस मुद्दे को भी मजबूती से पाकिस्तान के खिलाफ रखेगा, जिसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि मानवाधिकार हनन के मसले पर पाकिस्तान का दांव उल्टा पड़ जाए। आज तक मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच बचा है जहां पाकिस्तान की कश्मीर के मुद्दे पर फजीहत ना हो, लेकिन मानने को तैयार नहीं। जी, और हास्यास्पद ये है कि पाकिस्तान में खुद मानवाधिकार का इतना उल्लंघन होता है, वो परिषद में इस बात को उठाने जा रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। असम के दौरे पर गए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अब भरोसा दिया है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान वाले अनुच्छेद 371 को नहीं हटाया जाएगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच ये बड़ी चिंता थी कि क्या केंद्र सरकार अनुच्छेद 371 को भी खत्म करने की तैयारी कर रही है। अनुच्छेद 371 के जरिए पूर्वोत्तर के कई राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, लेकिन गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि मोदी सरकार अनुच्छेद 371 से छेड़छाड़ नहीं करेगी। मैं स्पष्ट करना देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 371 और 371 ए टू जे का संपूर्ण सम्मान करती है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। पूर्वोत्तर परिषद के 68वें पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थाई प्रावधानों से जुड़ा था, जबकि अनुच्छेद 371 विशेष प्रावधानों से जुड़ा है। दोनों के बीच काफी अंतर है। अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों को गलत जानकारी देने और गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। 370 संविधान सभा ने टेम्पररी प्रोविजन करके रखा था, अस्थाई उपबंध था, और धारा 371 टेम्पररी प्रोविजन नहीं है, विशेष प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन है। दोनों के बीच में मूलभूत अंतर है। गुवाहाटी दौरे के दूसरे दिन आज गृह मंत्री अमित शाह नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी नेडा की बैठक में शामिल होंगे। नेडा 2016 में बीजेपी की अगुवाई में बनाए गए क्षेत्रीय पार्टियों का संगठन है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में, और एक बहुत ही जरूरी खबर मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। देश में मंदी की खबरों को लेकर राजनीति के मैदान में हलचल मची हुई है। सरकार बार बार कह रही है सब ठीक है, अस्थाई है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। 100 दिनों में मोदी सरकार ने एक के बाद एक बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था की बिगड़ती सेहत ने सरकार के 100 दिनों के जश्न को फीका कर दिया है। लिहाजा सरकार ने देश को भरोसा दिलाने की कोशिश की है, इससे घबराने की जरूरत नहीं, और सरकार अर्थव्यवस्था को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। इन्वेस्टमेंट्स विच आर कमिंग, द मैक्सिमम FDI विच वी हैव रिसीव्ड, द फंडामेंटल्स विच आर वेरी स्ट्रांग, वी शुड नॉट बी वरीड टू मच। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्डिंग विद व्हाटएवर एक्शंस आर इमीडिएटली नेसेसरी, एंड देयरफॉर This is a temporary phase, not a direction of a real slowdown. सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आर्थिक मंदी को ग्लोबल फैक्टर बताने की कोशिश भी की, कहा अमेरिका जैसी इकोनॉमी को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विपक्ष की ओर से मंदी को लेकर पूछे जा रहे सवालों का प्रकाश जावड़ेकर ने इस अंदाज में जवाब दिया। अब कांग्रेस को कोई बैसाखी का सहारा लेते हैं
डूबते हुए को तिनके का सहारा लेने की कोशिश है, कोई मतलब नहीं है। ये मैंने सब वर्णन किया है, आप बारी बारी वही सवाल पूछेंगे तो मैं वही जवाब देते नहीं रहूंगा। प्रकाश जावड़ेकर सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। जावड़ेकर ने अनुच्छेद 370 और 35A खत्म करने जैसे बड़े फैसलों और उपलब्धियों को गिनाने वाली खास बुकलेट भी जारी की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में 90% सवाल अर्थव्यवस्था की बिगड़ती सेहत और नौकरियों की चिंताओं से जुड़े थे। आखिरकार जावड़ेकर को अधिकारियों से कहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करवानी पड़ी। मुझे लगता है धीरे धीरे समाप्त भी करो। देखिए साहब, मंत्री जी कितना भी कहें कि विदेशी रुझानों की वजह से एक अस्थायी तौर पर रुकावट देख रहा है अर्थव्यवस्था, लेकिन ये बात सही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने बाजार पर ज्यादा आधारित है। चलिए, गलियां नालियों में तब्दील हो गई हैं और घरों में कई फीट तक पानी भर गया। गढ़चिरौली के अहेरी की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। घास चने गई, गायें करंट की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से 25 गायों की मौत हो गई। चलिए कुछ राजनीतिक खबरें आपको दिखाते हैं। क्यों करें विचार, ठीके तो है नीतीश कुमार, जेडीयू ने नारा दिया है, चुनाव से पहले दिया है, और अब इस नारे के बाद वार पलटवार शुरू हो गया है। आरजेडी ने इसके जवाब में नया नारा दिया है, देखिए। ऐसा लगता है जैसे बिहार में पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत सिर्फ पोस्टरों के जरिए ही हो रही है। पोस्टर के जरिए ही सत्ताधारी पार्टी 2020 के लिए अपना दावा ठोक रही है, तो विपक्ष पोस्टर के जरिए ही सरकार के खिलाफ मुद्दे उठा रही है। एक बार फिर आरजेडी ने एक दिलचस्प पोस्टर जारी किया है, जिस पर नीतीश के उस पोस्टर का जवाब दिया गया है कि जिस पर लिखा है, क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। अब आरजेडी ने पोस्टर के जरिए ही बताया है कि बिहार की जनता क्यों ना करे विचार। नीतीश पर हमला बोलते हुए आरजेडी ने पूरी 36 लाइनों की कविता रच डाली है। 2020 चुनाव के लिए आरजेडी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश को घेर रही है। पोस्टर में हत्या, अपहरण, बलात्कार, AK-47 जैसे हथियार, चमकी बुखार और घोटालों का जिक्र है। राष्ट्रीय जनता दल ने जो ये पोस्टर जारी किया है, वो एक लाइन का जवाब विस्तार से दे दिया है कि ये आपके गुनाह का पूरा रिपोर्ट कार्ड है। इस सरकार जो बिहार में चल रही है, किस तरह से आपने जनादेश का चोरी किया, किस तरह से घोटाले हुए, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, किस तरह से AK-47 AK-56 लहराए जा रहे हैं। इसके आगे आरजेडी ने यह भी ऐलान कर दिया कि बिहार की जनता की पुकार है तेजस्वी यादव की अगली सरकार है। इस पर जेडीयू को आरजेडी के 15 साल के शासन पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। बिहार की जनता को क्या बताना चाहते हैं? बिहार के जनता को पहले आप ये बताइए कि 15 साल में जो माता पिता का जो राज था, जो कुकर्म हुआ, भ्रष्टाचार, उसके लिए आप बिहार की जनता से माफी मांगिए। अगर 15 साल के राज को लोग, बिहार के जनता अगर उस राज को ताजा करती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले बिहार के जनता से इनको माफी मांगना चाहिए। लेकिन जेडीयू आरजेडी पर कुछ भी कहे, पर लगातार सवाल और दबाव के बाद उसे नीतीश को लेकर अपनी लाइन बदलनी पड़ी। आखिरकार जेडीयू ने अपने नारे में किया बदलाव और नया नारा क्या है? क्या नया पोस्टर लगा है जेडीयू कार्यालय के बाहर? तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगी उस पोस्टर की, जिस पर लिखा हुआ है साफ, क्यों करे विचार जब है ही नीतीश कुमार। आपको याद होगा 2 सितंबर को जेडीयू कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगा था उसमें लिखा था, क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार, जिसके बाद लगातार राजनीतिक विरोधी नीतीश कुमार के उन पर हमलावर होते रहे।